30 प्रश्नों को पढ़ेंगे जहां से आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। मैंने ऐसे प्रश्न जहां से पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन तय है, लेकिन इसके लिए आप इन प्रश्नों को जब भी पढ़िएगा तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो केवल प्रश्न से ही नहीं बल्कि हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो प्रश्नों के जो खासकर जीएस में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, जहाँ से जीएस में हमारे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, उनको हम लोग सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न की सीरीज को अगर एक बार हम लोग तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए हम लोग आसानी से सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच सकते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और ये निःशुल्क क्लास देशित में राष्ट्रहित में आपके लिए है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? यहाँ पे चार विकल्प है, किसी एक विकल्प को तत्काल आपको लॉक करना है और जल्दी से दिए गए प्रश्न का जवाब देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहाँ भी देख रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप केवल एक प्रश्न को जवाब देने के लिए 15 सेकेंड का समय मिलेगा। 15 सेकेंड में आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर आप लोगों ने जल्दी से लॉक नहीं किया है, बताइए इतनी कमियां काहे करते हैं आप लोग। चलिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर ज्यादातर लोगों ने, बताइए इतनी कमियां काहे करते हैं। हमारी आवाज ही आप लोग को सुनाई दे रही, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको कमेंट पढ़ने के लिए हमें भी ऑन करके रखना पड़ता है ताकि हम आपके और प्रश्न को भी प्रश्न को पढ़ते रहें। देखिए यहाँ पे होगा रॉबर्ट कोच, मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए लगाया है उन सबके जवाब सही हैं। देखिए रोग के कीटाणु सिद्धांत जर्म थियरी ऑफ डिजीज की स्थापना रॉबर्ट कोच ने की थी, कब की थी? 1881 में, 1881 में उन्होंने किया था। उन्होंने जीवाणु के कृत्रिम संवर्धन किया, क्षय रोग टीबी के जीवाणु को अलग किया, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं उसके जीवाणु को इन्होंने क्या किया था, अलग किया था। साथ ही साथ 1905 में उन्हें चिकित्सा का नोबेल मिलता है, रॉबर्ट कोच को 1905 में चिकित्सा का नोबेल मिलता है। सभी लोग लिखना चाहें लिख लीजिएगा, चिकित्सा का नोबेल मिलता है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण था। और साथ ही साथ हॉलैंड के जो एंटोनियो वान ल्यूमेनहॉग को जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और आप लोग तैयार रहिएगा अगले प्रश्न की तरफ या अगले प्रश्न के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है, फटाफट बताइए कि 15 सेकंड है आपके पास, भारत में सर्वप्रथम प्रसारण किसने शुरू किया? भारत सरकार, बंबई प्रदेश की सरकार, बंगाल प्रदेश की सरकार या निजी तत्वों द्वारा? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, क्योंकि इसकी व्याख्या काफ़ी बड़ी होगी। सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है ना तो लाइक करने के बाद सबसे पहले इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पर बताइए सभी लोग जल्दी, आपके पास विकल्प है आप जल्दी से ताला लगाइए, इतने कम लोग ताला लगा रहे हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे अगर प्रश्न नंबर दो की बात करें, भारत सरकार, बंबई प्रदेश, बंगाल प्रदेश सरकार, निजी दत्तों के द्वारा, तो भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ अगर देखा जाए, अगर भारत में रेडियो प्रसारण देखा जाए, रेडियो प्रसारण भारत की बात हो रही है, पहली बार कब हुआ था? 1927 में बंबई और कलकत्ता में, कहां पे? बंबई व कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता। ये क्या थे? ये निजी स्वामित्व के द्वारा, निजी स्वामित्व के दो ट्रांसमीटरों के बीच, निजी स्वामित्व के दो ट्रांसमीटरों के बीच इसकी स्थापना हुई थी। और आगे चलकर 1930 में सरकार अपना अधिकार कर दी, सरकार अपना अधिकार कर लेती है। ठीक है, सरकार क्या करती है? उस पर अपना अधिकार कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया, संचालन भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से करने लगी, कब? संचालन भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से करने लगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने शायद समझ लिया होगा, सब लोगों ने जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किस नाम से होने लगा? भारतीय प्रसारण सेवा। आगे चलकर 1936 में इसका नाम बदल के भारतीय प्रसारण सेवा कर दिया गया, फिर का नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया।
1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। माने 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया, आकाशवाणी कर दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1930 में इसका नाम संचालन भारतीय प्रसारण सेवा, फिर 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, फिर 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। दरअसल यहाँ से परीक्षा में प्रश्न अगर आपके आएंगे तो ये थोड़ा सा डीप नॉलेज था जो मैंने अपने को बताने का प्रयास किया। और आप लोग की संख्या बढ़ नहीं रही है, क्या बात है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, चार विकल्प आपके सामने, किसी एक विकल्प को ताला लगाइएगा। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, पुष्कर एक झील भी है, पुष्कर झील भी है, पुष्कर झील भी है, ठीक है। बताइए जल्दी से, चार विकल्प में से ताला लगाना है आपको, बस इतने कम लोग ताला लगाते हैं। चलिए यहां पर आप लोग जानते रहिएगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, यहां पे इस प्रश्न का उत्तर जो सही है ये अजमेर, अजमेर मतलब आधे लोग को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, बड़ा आश्चर्य हो रहा है हमें कि राजस्थान में सर्वाधिक पवित्र झील पुष्कर है, जहां अजमेर भी स्थित है। यहां पे जो पुष्कर मेला है ये किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को जरूर दीजिएगा, चाहे इसको फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई, जल्दी जल्दी बताइए, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। आप सब जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, सभी साथी फटाफट यार जल्दी से लॉक करिए आप। देखिए, भारत में पहला जल विद्युत गृह, भारत में पहला जल विद्युत गृह कहां बना था, भारत में पहला जल विद्युत गृह कहां बना था, हाइडल पावर प्लांट कहां लगा था, 1898 में दार्जिलिंग में। माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी लॉक किया था उनके जवाब सही हैं, कहां पे, बी दार्जिलिंग में। फिर आगे चलकर 1903 में कर्नाटक के जो कावेरी नदी पे जलप्रपात से समुद्रम पर लगाया जाता है। फिर यह संयंत्र कोलारिक से स्वर्ण खानों की विद्युत आपूर्ति भी करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो आपके सामने प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है उसका उत्तर क्या होगा, दार्जिलिंग होगा। क्लियर हो गया, किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल, यह प्रश्न बड़ा यूनिक है इसलिए स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आपका हमेशा काम देगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें से दिए गए प्रश्नों में से विकल्प को लॉक करना है। बताइए जल्दी। देखिए, ये बुकर पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1968 में की गई, अगर इसकी स्थापना पूछ दिया जाए, जल्दी से लॉक करिए अपना ताला, 1968 में किया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटेन सरकार के द्वारा। यह इसके तहत जो दिया जाता है 20,000 पौंड दिया जाता है, अगर डॉलर में देखा जाए तो $32,000 पुरस्कार की धनराशि है। कौन सा विकल्प आपने लॉक कर लिया सभी लोग। चलिए, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ये जो प्रश्न नंबर 5 है आपका, ये क
कल्पना साहित्य लेखन मानिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार ब्रिटेन अथवा राष्ट्रमंडल देशों द्वारा लिखे गए अंग्रेजी की एक श्रेष्ठ उपन्यास के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। किसके लिए? अंग्रेजी के उपन्यास। तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में कोई सवाल अगर हो तो पूछ सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे उसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सबके? कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जैमिनी राय ने कला के क्षेत्र में नाम कमाया, मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला या नाट्यकला, बताइए जल्दी से। जल्दी फटाफट कमेंट करिए। विकल्प लाख हो गया आपका। चलिए यहां पे प्रश्न नंबर 6 के बारे में देखते हैं। सभी लोग जैमिनी राय ने, विकल्प लाख हो, 2 सेकंड और आपके पास। देखिए जैमिनी राय जो थी वो चित्रकला, जैमिनी राय ने अपनी चित्रकारी में लोक शैली की उजागर किया, जो उर्जो स्विता को, और उन्हें कई चीज़ों को चित्रकला में बनाने का और आविष्कार करने का श्रेय जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका सी, इसका राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, क्यूरी किसकी इकाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है? जितने वीडियो को लाइव देख रहे सभी लोग फटाफट कमेंट करें। आपके पास 4 विकल्प, किसी एक विकल्प को ताला लगाएं। देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास है, नोट्स संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए तो इलानी भी दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है, देशहित में, राष्ट्रहित में। सभी लोग यार वीडियो को शेयर करिए अपने साथी मित्रों को, अपने चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित रहिए। देखिए क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? देखिए कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, एक प्रकार की वेधी किरण उत्सर्जित करते हैं, ऐसे पदार्थों की जो रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। पदार्थों का जो स्ववेधी किरणें होती हैं उत्सर्जित करने वाले गुण को रेडियो सक्रिका कहते हैं। रेडियोएक्टिव की खोज हेनरी बैकुरल और मैडम क्यूरी, एम क्यूरी ने की थी। इन तीनों के संयुक्त रूप से भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्यूरी रेडियोएक्टिव धर्मिकता सक्रियता की इकाई है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए, माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया उन सभी के जवाब सही हैं, और 81% लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया था और बाकी लोगों ने तो अलग अलग जवाब दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग अपना बेस्ट देते रहें और आपकी संख्या इसी तरह रहेगी तो मुझे क्लास बंद करना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक उच्च न्यायालय दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? माने एक उच्च न्यायालय से दूसरे किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान सीरीज में इलानी भी दुर्गेश के माध्यम से पढ़ाया गया था। यह भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 222 है। क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 में इसका जिक्र हुआ है, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। चलिए अब आपका हो गया, 3 सेकंड आपके पास और है अपने विकल्प लॉक करने का। चलिए यहां पे देखिए भारत के राष्ट्रपति, इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 222 में इसका वर्णन किया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपका ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, और जितने लोग लाइव देख रहे हैं, डेली क्लास पढ़ते होंगे, उनका गलती नहीं हुआ होगा क्योंकि हमने पढ़ाया इसको। देखिए अगला है, संविधान की 8वीं
तालिका में सूचीबद्ध निम्नोक्त में कौन से एक किसी राज्य की राजभाषा है? आठवीं अनुसूची इसे समझ लीजिएगा, आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची, बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखिए कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मतलब आठवीं सूची में भी है और एक राज्य की राजभाषा भी है, तो बताइए जल्दी से वो क्या है। सभी लोग जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए काफी लोग ने सही बताया, काफी लोग ने गलत भी बताया है। देखिए आइए मैं सब लोग विकल्प लॉक कर लिए, कोई तो लॉक करने वाला नहीं बचा है ना, ठीक है 3 सेकंड आपके पास, जल्दी से लॉक कर लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि आपने उत्तर सही दिया था नहीं। देखिए यहां पर कश्मीरी नहीं, यहां उर्दू होगा। कैसे? उर्दू जो है कश्मीर राज्य की राजकीय भाषा है, यहां पर कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी, बाल्टी, दादरी आदि बोली जाती है। जम्मू कश्मीर राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो हंगुल है और राजकीय पक्षी वेस्टर्न टंगोपेन है। जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख में विश्व का प्रसिद्ध टेमिस गुफा उत्सव जून के महीने में मनाया जाता। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, उर्दू, क्योंकि उर्दू जो राजभाषा है वो कश्मीर की है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है और बी का जवाब मात्र 17% लोगों ने दिया था। यही हाल अगर परीक्षा में रहेगा तो बड़ी दिक्कत होगी। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? आपके सामने 4 विकल्प है, उसमें किसी एक विकल्प का चयन करना है। आपके मोबाइल पे खुल गया होगा, अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो आपको पूरी तरह से HD में दिखाई देगा। जल्दी बताइएगा, सूती वस्त्र उद्योग हथकरघा एवं मिले की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा है? 5 सेकंड है, जल्दी से विकल्प को लॉक करिए आप लोग, बताइए जल्दी से। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसका स्थान तीसरा है। भारत में अगर देखा जाए तो इसका स्थान क्या है, तीसरा है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, सूती वस्त्र उद्योग या हथकरघा मेले की दृष्टि से देखा जाए उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है और ये सबसे उद्योग माने हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। देश के कुल हथकरघा उद्यमियों का 1/4 उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग भी है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग भी है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? 3 है और 1 सम्मिलित नहीं है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पढ़ा। अगर आप लोग पढ़े रहेंगे लगातार, अगर लर्निंग भी दुर्गेश पे क्लास पढ़ रहे होंगे तो होगा, नहीं अगर हो तो टेलीग्राम अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, ये विश्व भगु, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। देखिए भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका मूल अधिकार है, विधि के समय समता का अधिकार ये भी है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, बराबर काम के लिए बराबर वेतन जी नहीं, ये भाग 4 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, मतलब अगर देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर अगर देखें हम लोग तो क्या होगा आपका, बताइए जल्दी से कमेंट करके। जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। समझ में आ गया सबको? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? 4 विकल्प है, किसी एक विकल्प को ताला लगाना है आपको और ताला लगाते हुए आगे बढ़ते रहिए। सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए इसकी स्थापना 1890 में की, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए
1890 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अगर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की बात की जाए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 1916 में। इसका मुख्यालय, इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ दिया जाए मुख्यालय, तो कोलकाता में है। लेकिन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? अगर ये पूछ दिया जाए, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में है। चार विकल्प है, आपके पास समय खत्म है, आप जवाब जिन्होंने देना था दे लिया। यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया उनका जवाब सही है और इनकी संख्या मात्र 30% है। मतलब ऐसे प्रश्नों के जवाब देने वालों की संख्या केवल 30%। सोचिए अभी कितनी कमियां आप लोग के अंदर हैं। अगर यही हाल परीक्षा में रहेगा तो क्या होगा अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे? तो अपने आप को सुधारिए, जीएस को और स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिए, वरना इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, आपके काम आने वाला है, क्योंकि मैं व्याख्या भी कर दिया हूँ। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है। गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजशाह तुगलक। चार विकल्प में किसी एक विकल्प को ताला लगाना है आपको और आप खुद से देखिएगा कि आपने सही किया या गलत किया या कितना हद तक आप लोग सही कर रहे हैं। सभी लोग बताइएगा कि इस प्रश्न की हम व्याख्या भी करेंगे आपसे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। और हमें चाहेंगे सिलेक्शन के लिए ही आपको पढ़ाया जाए, ठीक है? चलिए बताइए आप लोग, हो गया? चलिए अब पोल हट रहा है आपका। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है, पहले मैं इसके बारे में व्याख्या कर दे रहे हैं कि जो खिलजी, अलाउद्दीन जो खिलजी, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, इनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो ये 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। इसके बाद राजस्व, वित्तीय और राजस्व सुधारों में इनकी गहरी रुचि लेने वाले पहला शासक था, जिसने राजस्व सुधार की बात सोचा हो, वित्तीय सुधार की बात, ये पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के दौरान किसानों को आवास, घर, मतलब घरी या गरी तथा चराई कर चरी लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी कृषकों के घरों पर घरी या गरी या तथा चराई एक कर लगा था। ये चराई कर लगा था, मतलब चरी कर लगाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू मापने की इकाई बिसवा, बीघे का बिसवा भाग प्रारंभ किया। क्या शुरू किया था? बिसवा, आज भी लोग कहते हैं बिस्सा। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, कोई बता सकता है? इसका वास्तविक नाम, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम ये परीक्षा में पूछता है, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या है? जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कितने ऐसे इलानी विद्रगेश के लोग हैं जो ये बता देंगे कि इसका वास्तविक नाम क्या था। जी हाँ, सरकारी नौकरी करने के लिए महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। ठीक है, तो अच्छा एक सेकंड आपका समय लेंगे हम। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं।
चलिए यहाँ पे हमारे सामने जो इसका उत्तर होगा, वास्तविक नाम अगर हम पूछें तो अली अली गुरसास। यह अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हो जान लें, अली गुरसास इसका वास्तविक नाम था। रट लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बबूता कहाँ से आया था? इब्न बबूता कहाँ से आया था? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिएगा, इब्न बबूता कहाँ से आया था? इसके बारे में जितनी भी जानकारी आपको हो तो आप सभी लोग जरूर बताइएगा, कोशिश करिएगा ताकि हम सिलेक्शन के और नज़दीक पहुँच सकें। आप लोग क्योंकि अपना बेहतर देंगे, पढ़ेंगे तभी तो, कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जल्दी जल्दी बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए यहां पे देखिएगा, वो मोरक्को से, इसके बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का अगर कार्यकाल देखा जाए, मोहम्मद बिन तुगलक का, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका अगर कार्यकाल देखा जाए तो ये 1325 से 51 लगभग 26 साल तक था। इनके शासनकाल में भारत यात्रा करने वाला इब्न बतूता मोरक्को से था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। दिल्ली के सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ध्यान दीजिएगा यहाँ से आप लोग, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। क्या किया गया? दिल्ली का काजी, आप लोग तो इसे जानते होंगे, दिल्ली का काजी। अभी इसके बारे में और कहानी में बताएंगे। फिर उसके बाद ये 1342 में जो इब्न बबूता होता है, ये सुल्तान राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगल तिमूर के दरबार में गया था। इब्न बबूता के अनुसार उसकी यात्रा के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। इब्न बबूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जो घटनाएं अपनी पुस्तक रेहला में दिया। इसकी जो पुस्तक थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेहला। एक प्रश्न अगर आधुनिक भारत के इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप रेहला पुस्तक जरूर पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न आपका आएगा, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में फिक्स आता है, जो रट लीजिए पूरी तरह से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण के समय, विज्ञान का सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए सब लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, बताइए जल्दी जी, जो ऑक्सीजन होता है कहाँ से आता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। देखते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प कितने लोग देते हैं, और यही तय कर देगा कि आपकी परीक्षा का सिलेक्शन जो रेशियो होगा वो क्या होने वाला है। चलिए, अब 3 सेकंड आपके पास है विकल्प लॉक करने का, उसके बाद आप नहीं लॉक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है सबका गलत होने वाला है। जी हाँ, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर है जल। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ होगा, सर जल कैसे? प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन होती है वो जल से प्राप्त होती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। यह जल पौधों की पत्तियों से निकलता है। यह जो जल होता है पौधों के पत्तियों से निकलता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न था उन सभी के लिए। देखिए कितनी गलती, केवल मात्र 12% लोगों ने जवाब दिया इसका। सोचने वाली बात है, अगर यही रेशियो अगर आपने परीक्षा में दिखाया तो यार हमारा ही नाक कट जाएगा कि दुर्गेश्वर से पढ़ते थे। अगला सवाल, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए उसके आयतन में क्या करना होगा? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके।
पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के लिए क्या होगा? फटाफट कमेंट करिएगा और डेली क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा यार, आप लोग को कहना पड़ता है। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। आपने उत्तर लॉक कर लिया, चलिए अब आपका उत्तर लॉक करने का समय समाप्त। यार देखिए गलत सही आप लोग उत्तर का लॉक कर दिया करिए यार, गलत हो जाएगा कोई गोली थोड़ी मार देगा। परीक्षा में गलती होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जितनी गलतियाँ करेंगे वो सही है, परीक्षा में गलती मत करिएगा। यहाँ एक बार गलती होने के बाद आदमी दोबारा गलती नहीं दोहराता। आपने देखा होगा परीक्षा में गलती होने वाले प्रश्न गलत नहीं होते। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का अगर सही विकल्प हम लोग देखें तो ये होगा घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी, डी। 5% लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया था केवल। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन बढ़ते हैं, परंतु 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन घटता है, 4 डिग्री के पश्चात बढ़ता है। पहले क्या होता है, घटता है आयतन, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ता है, क्या चीज, आयतन। यही कारण है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल घनत्व सबसे ज्यादा है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, रट लीजिएगा। इसलिए आपने देखा होगा जब बर्फ जम जाती है नदियों में, तालाबों में, तो मछलियां नीचे रहती, इसी के कारण। ठंडे देशों में तालाब के जम जाने पर मछलियां नीचे जीवित रहती हैं। अधिक ठंडे जल में पाइप कभी फट जाते हैं, लेकिन इसके पीछे जल के इस असामान्य प्रसार का सिद्धांत काम करता है, मतलब घटने के बाद बढ़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। सोचिए इस प्रश्न का उत्तर केवल 5% लोगों ने सही दिया है। अगर यह हाल रहेगा तो जरूर से आपकी दिक्कत होगी। मेरी बात मानिए, डेली क्लास में टाइम से रहिए, मुझे बार बार न कहना पड़े, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न को लेकर आता हूं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जहां पे आप गलती करते हैं। अन्य यूट्यूबरों की तरह नहीं कि वही प्रश्न लेकर आइए जो आपको पहले से पता हो, जिनका उत्तर आप पहले से जानते हैं, क्योंकि हमें हमेशा नए प्रश्न लाना चाहिए, हमें हमेशा नए प्रश्न देखना चाहिए कि हमारी गलतियां कहां से हो रही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी भैया। हम कहेंगे शेयर करने के लिए तो आप क्यों शेयर करेंगे, लाइक करने के लिए नहीं करेंगे। निम्नलिखित किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है, बताइए जल्दी से, किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है। हो सके अगर आपकी आत्मा कहे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, ना आपके पैसे कटेंगे ना मुझे मिलेंगे, लेकिन हाँ किसी व्यक्ति का भला हो जाएगा ऐसी सीरीज को पढ़ने के बाद। देखिए इसका प्रयोग क्या होगा, बहुत आसान है, आपके पास 5 सेकंड है विकल्प को लॉक करने का। विकल्प को लॉक सभी लोग करा करिए। डिमोरलाइज का मतलब क्या है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, कितना भी पढ़ लीजिए कमियां समझ में आती हैं, बाकी आपकी मर्जी, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इसका उत्तर होगा सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव, मतलब सी। जितने लोगों ने जवाब दिया था उनके जवाब सही हैं, ठीक है, सच्चाई स्वीकार करना चाहिए हमें आपको। इस प्रश्न का उत्तर सी है, लगभग 56% लोगों ने इसका जवाब दिया था, सी वालों का जवाब सही है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जवाब देंगे, क्योंकि जब इस तरह से अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसकी होती है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए और बी दोनों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए यहां पर भी मुझे लग रहा है गलती जरूर होगी। आपके पास 5 सेकंड है विकल्प को लॉक करने का, उसके बाद तब हम ताला खोलेंगे। चलिए 3 सेकंड और है। हाँ हम तो जानते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेहतर करिए और करिए। हमें पता जी ऐसी कोई सीमा नहीं, बहुत सारे प्रश्न में हमें भी हथियार रख देना पड़ता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है वो केवल 30% लोगों ने दिया है, केंद्र सरकार। आइए जानते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्रणाली होती है उसके विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसका नियंत्रण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। इसका जो नियंत्रण होता है लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका नियंत्रण होता है, ठीक है। इसके बाद भी जानते रहिएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई थी, ठीक है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या बताइएगा, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी सही और राइट है। तो बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, जितने साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। अगला है आपके सामने, निम्नोक्त में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता, तीन आता है एक नहीं आता, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा नहीं आता। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, जवाब जल्दी दीजिएगा। सभी साथी जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके पास 15 सेकंड है, आपके सामने चार विकल्प, उसमें से एक विकल्प को ताला लगाने का। अब ये 15 सेकंड में कितने लोग ये कर पाते हैं देखना है आज। चलिए चलिए यहां पर ध्यान देना है शारदा। अच्छा पहले मैं आपको ताला बंद कर दूं, नहीं तो फिर आप लोग ताला देते रहेंगे और बाद में उत्तर प्रभावित करेगा। देखिए शारदा बांध ये भारत नेपाल के सहयोग से बना है, टनकपुर बांध भारत और नेपाल, पंचेश्वर लेकिन चुक्का परियोजना ये है भारत और भूटान, भारत व भूटान, ये वांगचू नदी पर है, किस पर लिखना चाहे लिख लीजिएगा, वांगचू नदी पर बना है। शारदा नदी किस पर है, शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, पंच, ये सब भारत नेपाल से है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जो आप लोग को सामने दिख रहा होगा वो क्या था, डी था। और अगर इस देखा जाए तो यहां पर 27% लोगों ने केवल सही उत्तर दिया था, बाकी लोग के जवाब गलत थे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किनके सही थे किनके गलत थे, लेकिन ये सच्चाई है जिसे हम लोग को स्वीकार करना चाहिए, इसलिए आप लोग जवाब पोल में ही दीजिएगा ताकि ये पता चल सके कि कितना परसेंट उत्तर सही आ रहा है, आपका मोरल न डाउन होने पाए। अगला आपके सामने है नई औद्योगिक निवेश नीति का लक्ष्य कितना प्रतिशत औद्योगिक विकास प्राप्त करना है। जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। नई स्थापना औद्योगिक निवेश सितंबर 2012 में आती है, सितंबर 2012। अब आपको इसका जवाब देना है, 3 सेकंड आपके पास और है विकल्प को लॉक करने का, 10%, 10.5%, 11.2% या 12.2%। चलिए चलते हैं विकल्प लॉक होने के बाद। ग्यारह दशमलव 2% माने 30% का सही जवाब है। औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो आपका यहां पर दिए गए प्रश्न के हिसाब से 11.2% था। तो कितने लोग का सही हुआ जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। आप लोग ज्यादा जवाब दिया करिए यार, कहाँ हैं आप लोग। अगला है आपके सामने 21, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, सबसे पुराना राजवंश या प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, मौर्य, गुप्त, कुषाण, कड़ो, कौन सा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट संबंध में कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप ले सकते हैं, यह क्लास जनपुर जनपद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है। यहाँ पर ध्यान देना है, मैं सबका लिख दे रहा हूँ। अगर मौर्य वंश देखा जाए, देखिए यहाँ पे मैं BC लिख रहा हूँ, BC माने ईसा पूर्व हो गया, AD एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट हो गया, ये हो गया ईस्वी, इसी का मैं प्रयोग करूँगा, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। अगर मौर्य वंश की बात करें तो ये 323 BC से
323 BC से लेकर 184 BC तक है। वैसे मैं पोल को बंद कर दूं पहले, तब अगर गुप्त वंश की बात की जाए तो 75 BC से लेकर 30 BC तक है। बिपोर का ईसापुर, कुषाण 15 AD से लेकर 300 AD के प्रारंभ तक, तीसरी सदी की है ना, तीसरी सदी, ये 200 AD हो जाएगा। कड़ो 309 से 550, 319 से लेकर 550 AD। सबसे प्राचीनतम इसमें कौन सा होगा, सबसे प्राचीनतम कौन सा हुआ, सबसे पुराना इसमें कौन सा हुआ, जल्दी से बताइए। ए मौर्य वंश, माने ए इसका सही जवाब होगा। सबसे पुराना माने 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश हुआ। ठीक है, सोचिए इस प्रश्न का जवाब केवल 28% लोगों ने सही दिया था, बाकी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब गलत दिया था। अब 21% में कौन कौन लोग आते हैं मुझे नहीं पता, अब आप बताइएगा लास्ट में आपने कितने प्रश्न में कितने सही किए। अगला प्रश्न है आगे आपका, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे, चार विकल्प है, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। गर्भ में भ्रूण शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की, अमीनो अम्ल अनुक्रम का पता लगाने की, गर्भपात को प्रेरित करने की, कृत्रिम गर्भधारण की, बताइए जल्दी से। चलिए इसके बारे में जानते हैं, बताइए जल्दी से। हो गया लॉक आपका, चलिए ठीक है, 3 सेकंड आपके पास और है। यहां पर इसका उत्तर होगा, गर्भ में भ्रूण शिशु को श्वास दशाओं का पता लगाने के लिए, माने ए इस प्रश्न का सही जवाब है। एमनियोसेंटेसिस गर्भ में भ्रूण या बच्चे की जो श्वास दशा है उसका पता लगाने की एक तकनीक है। इसकी प्रक्रिया के द्वारा माता के जो गर्भाशय में एक खाली सुई चुभोई जाती है और उसमें थोड़ी सी अमनियोटिक फ्लूड ली जाती है, जिससे जांच कर बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है, अगर हो सके तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा कि भविष्य में यहाँ से अगर प्रश्न आए तो गलत ना हो। मेरा एक तरीका है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो बस आपके दिमाग में प्रश्न उसका उत्तर याद रहे, ताकि परीक्षा हाल में जाए प्रश्न आए तुरंत आप उत्तर लगाएं। अगला प्रश्न, मनुष्य की जीभ किस तरह का कड़वाहट की संवेदना, किस तरह की कड़वाहट संवेदना सीमित रहती है, बताइए जल्दी से। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। सभी लोग हो गया, चलिए पोल आप लोग का खत्म हुआ, आप लोग जवाब दिया करिए जाके ना, इससे क्या होगा कि आपके प्रश्न कितने सही हुए ये तो पता चल जाएगा। चलिए ध्यान, मनुष्य की जो जीभ है पिछले हिस्से के द्वारा स्वाद में कड़वाहट पता लगता है। तो सोचिए कि स्थिति आपकी क्या है उत्तर देने वालों की, जितने लोगों ने उत्तर दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आपके सामने है एक प्रश्न है, शायद आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि हम्पी, तिरुवनमलई, चिदंबरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था, विद्यारण्य, कृष्णदेव राय, हरिहर, राजा राज। क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मतलब विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों पर बने हुए गोपुरम का निर्माण मुख्यतः किसने किया था, तुलुक वंश के, तुलुक वंश के किसने किया था, जल्दी से बताइए। बस 3 सेकंड आप लोग और जवाब लॉक करिए अपना।
चलिए ठीक है, अपना लॉक कर लिया। यहाँ पर कृष्णदेव राय, उत्तर क्या होगा आपका? कृष्णदेव राय। और चिदंबरम मंदिर का भी निर्माण उन्होंने कराया था, चिदंबरम मंदिर का भी निर्माण अगर पूछ लिया आपकी परीक्षा में किसने कराया था तो भैया आप क्या बताएंगे? क्या आपको याद है? बस यही रख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, चार विकल्प हैं, इसी एक विकल्प को ताला लगाइए जल्दी से। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कर बताइए। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। एकदम आसान प्रश्न है, बस आपने लॉक कर लिया, ठीक है। तो यहां पर सामवेद, सामवेद गायन है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। इसका उच्चारण करने वाले जो पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका जो उच्चारण करते हैं उनके पुरोहित को किस नाम से जानते हैं? उद्गाता के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, नहीं दिखा, अब दिखेगा, अब दिख गया होगा। अंग्रेजों द्वारा भारत पर अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह स्थापित किया गया? मद्रास, सुतंती, बोकारो, सूरत। विकल्प जल्दी से लॉक करें आप लोग। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके बताएं। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करके बताएं। मद्रास, सुतंती, बोकारो, सूरत। चलिए आपका समय समाप्त होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो अंग्रेजों का सबसे पहले कारखाना सूरत में स्थापित हुआ था, कब? 1608 में। क्लियर? सबसे पहले कहाँ? सूरत में, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है आपके सामने, सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन किसने किया था? चार विकल्प में किसी एक विकल्प को लॉक करना है आपको। लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, बर्नीली, बोरमिनी। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चार विकल्प में किसी एक विकल्प को आपको लॉक करना है। लॉक हो गया सबका? चलिए देखते हैं इस प्रश्न के कितने लोग सही जवाब देते हैं, कितने लोगों ने विकल्प पर सही ताला लगाया है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा माइकल एंजेलो। सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपान इटली के प्रसिद्ध जो चित्रकार मूर्तिकार थे कवि माइकल एंजेलो थे। ये 1475 से लेकर 1564 तक थे। इन्होंने द लास्ट जजमेंट, इनका था द लास्ट जजमेंट, इनकी पेंटिंग थी द फॉल ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन इनकी ये प्रमुख पेंटिंग थी, जहां से आपके भर्ती परीक्षा में प्रायः प्रश्न आता है और आप लोग ऐसे प्रश्न को गलत भी करते होंगे जहां तक मुझे लगता है। लेकिन आज के बाद आपकी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगला आपके सामने, खैबर दर्रा किससे जुड़ा है? बहुत आसान प्रश्न है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। खैबर दर्रा किससे जुड़ा हुआ है? भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान तजाकिस्तान, बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, खैबर दर्रा किससे जुड़ा हुआ है? चार विकल्प में से किसी एक विकल्प को आपको चयन करना है। चलिए, खैबर दर्रा जो है
ये पोल आपका समाप्त होगा जल्दी से, हो गया। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा पर स्थित है। सोच लीजिए कि इतना सरल प्रश्न की गलती कितने लोगों ने किया, मात्र कितने % लोगों का जवाब सही था, या स्वयं देख लीजिएगा, आप लोग भी ये देख सकते हैं कि कितने % लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया, कितने % लोगों ने इस प्रश्न का जवाब गलत दिया। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? चार विकल्प आपके सामने हैं, किसी एक का चयन करिए। शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बताइए जल्दी से। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ये मैंने पढ़ा दिया है, सभी लोग फटाफट लॉक करें विकल्प। 5 सेकंड आपके पास और है, 5 सेकंड आपके पास और है। चलिए, यहां पर आप लोगों का जवाब शेरशाह सूरी है। ये 1540 से लेकर 1545 तक, इसकी 45 में मृत्यु हो जाती है। ये चांदी का रुपया, चांदी का रुपया। एक प्रश्न आता है तांबे का दाम चलाते हैं। ये रुपया जो होता है ये 180 ग्रेन का होता है, हमने पढ़ाया था, ये परीक्षा में आ चुका है। ये 380 ग्रेन का होता था। ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको बता दिया, इनको लगा दिया। और दिल्ली दूर है किस शासक ने कहा था? दिल्ली दूर है ये किस शासक ने किस शासक के लिए कहा था, उसका भी जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, भारत में प्रथम रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन था? यह आज का आखिरी क्वेश्चन, इसी के साथ आज की सीरीज समाप्त हो जाएगी। ऑनलाइन क्लास से नोट संबंध में अगर जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आप लोग डेली क्लास में जुड़े रहिएगा, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर टेलीग्राम पर इसकी लिंक आपको मिलेगी। और टेलीग्राम पर सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है। आज का आखिरी सवाल, इसी के साथ क्लास खत्म हुई। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाकी क्लास के लिंक जो भी इसके बाद क्लासेस चलेंगी टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। देखिए, भारतवर्ष में अगर देखा जाए, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग का सही होता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? चलिए, 5 सेकंड आपके पास और अपने विकल्प को लॉक करने का, उसके बाद आप लॉक नहीं कर पाएंगे। चलिए, 5 सेकंड आपके पूरे होते हैं। यहां पर आचार्य विनोबा भावे, डी, मतलब इस प्रश्न का उत्तर केवल 14% लोगों ने सही दिया है। ज्यादातर लोगों ने सी डी देशमुख को कहा है और जयप्रकाश नारायण को, उसके बाद वर्गीज, तीसरे पे आचार्य विनोबा भावे को लोगों ने रखा है। भारत में पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता आचार्य विनोबा भावे थे। ये फिलीपीन सरकार द्वारा अपने पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे की मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में 1957 में हुई थी। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी था। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, बाकी अपने सभी क्लास के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, आपकी मर्जी। वीडियो लोगों तक पहुँचाएंगे तो लोगों तक जानकारियाँ पहुँचेंगी, और मुझे भी खुशी होगी आपके द्वारा किया गया काम सराहनीय हुआ, उन लोगों की मदद हुई जिनको इनकी ज़रूरत थी। चलते हैं, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्लास होगा इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब पर क्लासेस लाइव चल रही हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर क्लासेस देख सकते हैं। चलते हैं, बाय बाय, ठीक है, चलते हैं, तब अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए, तब चला जाए। थैंक्स टू ऑल।